हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडिया गार्डनिंग। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत वाइन के बारे में। जैसा कि आप यहां देख रहे होंगे, ऑरेंज कलर की ये वाइन है जिसका नाम है ऑरेंज ट्रिम्पेट वाइन, जिसे फ्लेम वाइन भी कहते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं अभी नर्सरी में शूट कर रही हूँ क्योंकि ये वाइन बहुत ही खूबसूरत है, इसलिए मैं इसके दो प्लांट्स भी ले रही हूँ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैंने ये दो प्लांट्स लिए हैं वाइन के, एक में तो फ्लावर आ ही रहा है और एक में नहीं है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजी टू ग्रो हो जाती है, इसमें ज़्यादा केयरिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती है और ये प्लांट्स भी मुझे सही प्राइस में मिले हैं। ये दोनों मुझे 400 के मिल गए हैं, 200 का एक मुझे मिला है। फ्रेंड्स, आप इस वाइन को आपके घर के एंट्रेंस पे लगा सकते हैं या फिर आप वॉल पे लगा सकते हैं या कुछ डिज़ाइंस बना सकते हैं, झोपड़ी वगैरह जैसा आपको ठीक लगे आप वैसे इसको बना के लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, आप इस वाइन को कटिंग से लगाना चाहते हैं तो सितंबर अक्टूबर में आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं, क्योंकि आप उस टाइम पर कटिंग लगाएंगे तो आपको नवंबर तक इसमें कली देखने को मिल जाएंगी और बाकी ये दिसंबर में अच्छे से फ्लावरिंग करेगी, क्योंकि ये समर के टाइम पे अच्छे से फ्लावरिंग करती है। इसलिए फ्रेंड्स, आप इसकी कटिंग पहले ही लगा दें ताकि आपको बाद में इसके अच्छे से फ्लावर देखने को मिलें। और फ्रेंड्स, इसके फ्लावर बहुत ही खूबसूरत हैं, एकदम गुच्छे में आते हैं, तब इस वाइन के फ्लावर इस तरीके से आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत लग रही है। आप इसे आपके घर पे लगाएंगे तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी, क्योंकि आप इसे प्रॉपर एंट्रेंस पे लगाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। आप इसे आपके गार्डन में भी लगा सकते हैं, आप वॉल को कवर करने के लिए भी आप इसे लगा सकते हैं। अगर फ्रेंड्स, आप इस वाइन को गमले में लगाते हैं तो आपको गमला बड़ा साइज़ का ही लेना है, क्योंकि ये वाइन सालों साल लगी रहती हैं तो इन्हें बार बार चेंज करने में प्रॉब्लम होती है, ख़राब भी हो सकती हैं। इसलिए आप इस वाइन को लगाने के लिए 30 से 40 इंच का गमला लें। और इसी के साथ फ्रेंड्स, मैं आपको इसकी कुछ केयर टिप्स के बारे में बता देती हूँ। ये समर के टाइम पे अच्छे से ब्लूमिंग करती है तो आपको इसका अच्छे से ध्यान रखना होगा, आपको इसमें पानी का अच्छे से ध्यान रखना होगा। इसके अलावा आप इस वाइन को थोड़े दिन छांव में रखें, अगर आपने इसे कटिंग से लगाई है या फिर आप इसे नर्सरी से लेकर आए हैं तो कुछ टाइम तक आप इसे छांव में रखें, तब इसका ग्रोइंग टाइम होता है, फ्लावरिंग टाइम होता है, तो तब आपको फ्रेंड्स इसमें फर्टिलाइज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि प्लांट्स जैसे जैसे ग्रो करता है तो उसे फीडिंग की भी ज़रूरत होती है। अगर आप उसको नहीं देंगे तो वो प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं होगा, अच्छे से उसमें फूल नहीं आएंगे। तो आप इसमें किसी भी तरह का नॉर्मल फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, जैसे कि कंपोस्ट आप डाल सकते हैं, मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, या फिर आप सिंपली इसमें गोबर की खाद भी डाल सकते हैं। अगर आपने इस वाइन को गमले में लगाई है तो आपको अच्छे से केयर करने की ज़रूरत होती है, पानी का ध्यान रखना होता है, फर्टिलाइज़र का ध्यान रखना होता है। इसके अलावा इस वाइन पे कुछ कीड़े या फंगस लग जाती है तो आप सिंपली उस पर नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, तो उससे वाइन के जो कीड़े या फंगस लगी हुई है वो ख़त्म हो जाती है और वाइन अच्छे से बढ़ती है और अच्छे से फ्लावरिंग करती है। जब भी इस वाइन में पानी डालें तो आप वाइन की पत्तियों के ऊपर से डालें पूरी, उसको अच्छे से नहला दें। अगर उस पर फंगस भी लगी होगी, धूल मिट्टी भी लगी होगी, तो वो भी धुल जाएगी और वाइन की जो लीव्स हैं वो अच्छे से शाइनिंग करेंगी और वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखेगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको ऑरेंज ट्रिम्पेट वाइन को लेकर कोई डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।